good morning. Welcome to an Academy Musicianet. A very good morning to all of you. Finally, I think we are live. And I know कि हम लोग 10 मिनट अराउंड लेट हैं, but I am really sorry. क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, जब भी मैं कोई नया सीरीज शुरू करती हूँ, कोई नया वीडियो बनाती हूँ, तो ऐसा मेरे साथ में होता ही है, right? So very very good morning to all of you. Welcome to India's largest learning platform, which is an academy. आज से मैं आप सभी लोगों के साथ में स्टार्ट करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नया सीरीज, और इस नए सीरीज के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 100 MCQs जो आपके करंट अफेयर को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, राइट? तो एक बार जल्दी जल्दी से मुझे अपना AV चेक कराइए, उसके बाद में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि नए टाइम पे नई सीरीज लेके आई हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ये टॉप 100 क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, तो वो भी अपन को अच्छे से करने हैं. और साथ ही साथ में आज से आपका पूरा स्केड्यूल भी चेंज हो जाएगा, राइट? मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के लिए एक अर्ली मॉर्निंग बैच लेके आए, सो दैट हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा निकल के आएगी और आपको पूरा दिन क्लासेस में नहीं जाएगा, सेल्फ स्टडी के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाएगा. ओके, तो ये चीज़ है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. हमको लगा उठा के आप, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी किया है क्या मैंने? मैं यहीं थी आपके सामने, सब देख रही थी कितने बच्चे आ गए हैं, कितने नहीं आए हैं. क्लियर है? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है. बट आई कैन सी बहुत सारे बच्चे जो है जो लाइव अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं. चलिए, तो होपफुली सभी बच्चे हमारे साथ में लाइव आ जाएंगे. आप वीडियो को शेयर करते रहिए गाइस, क्योंकि मुझे भी एक एनर्जी चाहिए. कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अलग टाइम पे लाकर कुछ बढ़िया आप लोगों के लिए हम कर सकें, तो उसके लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट और हेल्प आपकी भी चाहिए होगी. तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, सभी लोग लाइक भी करेंगे. स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन. वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए अनअकैडमी पर. जैसा आप जानते हो, डेली लाइव सेशन में लेके आती हूँ, और ये आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ आज से आपका जो नया स्केड्यूल होने वाला है वो है ये, राइट? मेरा नाम अदिति है. अगर आप इस चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सो दैट आप लोगों को सारी की सारी लाइव क्लासेस मिल जाए. जैसे कि आप जानते ही हो, अब एक नया चीज भी है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, यानी कि स्पेशल क्लासेस के अंदर भी हम ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आए हैं, जहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी पेपर वन के मोस्ट एक्सपेक्टिंग क्वेश्चंस. जैसे कि आप जानते हो कि मैं पिछले इस साल के अंदर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूंगी, मैथ्स के, ICT के, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के, सो दैट हमें भी आइडिया लग सके कि UGC नेट एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है. क्योंकि आपको पता होता है कि हर साल पेपर्स का एक ट्रेंड होता है, तो उस ट्रेंड को हम लोग यहाँ पर फिगर आउट करेंगे. ठीक है, ये क्लास आपकी 11 बजे होगी, और 6 बजे से स्पेशल क्लास के अंदर मैं कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों से बताने स्टार्ट करने वाली हूँ. सभी के लिए रेफरल कोड आप लोगों को लगाना है अदिति 10, क्लास आपकी ओपन हो जाएगी. अगर आप नया बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप सभी लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर सकते हो पेपर वन का और पेपर टू का नया बैच, राइट? ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पर. यहाँ पर आप लोगों को एक फॉलो का बटन मिलेगा, जिसे आप फॉलो कर सकते हो. पेपर वन, पेपर टू, कोई सा भी पेपर टू हो आपका, प्लस या आइकॉनिक पर आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे. बेस्ट टाइम है सब्सक्रिप्शन लेकरने का, क्योंकि 12+2, 6+1 और 24+3 तीनों ही ऑफर्स हैं जो आपके पास में हैं 31 अक्टूबर तक. तो आपका जो मन है आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. बहुत नॉमिनल सी फीस है, और 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट? तो चलिए, क्वेश्चन नंबर वन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. और जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो, क्वेश्चन नंबर वन आप लोगों का कहां से आया है. क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि कौन सा जो यहां पर डिजीज है और कौन सा अफेक्टेड प्लांट वाला जो आप लोगों का सीन है वो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है. आपको पता हो तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं. ये रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था, और आपके पीपल एनवायरनमेंट में भी इंपॉर्टेंट है. तो ऐसा क्वेश्चन है
जो कि आपसे पूछा जा सकता है। पहला येलो रस्ट की बात है, फॉल आर्मी वॉर्म की बात है, पिंक ग्लो वॉर्म की बात है, शीथ ब्लाइट डिजीज की बात है। चार तरीके की डिजीज है, वीट है, राइस है, कॉटन है और मेज है। आपको मैच करना है, आपको बताना है कि कौन कौन से करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। राइट, picked up early for the first time in my UGC net prep ma'am and will continue to do so। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छी बात है, खुश हूँ कि कोई तो है। तो बताइए मुझे क्या होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर। वीट, राइस, मेज और कॉटन। क्या आपका येलो रस्ट वीट से होता है? क्या फॉल आर्मी वॉर्म जो है वो राइस से होता है? पिंक ब्लो वॉर्म जो है क्या वो कॉटन से होता है? शीत ब्लाइट डिजीज जो है क्या वो मेज से होती है? कौन कौन से हैं जो यहाँ पर करेक्टली मैच है? वन ओनली, वन एंड थ्री ओनली, वन टू थ्री या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब क्योंकि क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव आ गया है और वो आपका फेवरेट ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वही लगा के आना है, ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कौन कौन सा यहाँ पर करेक्टली मैच्ड होने वाला है, कौन कौन सा है जो करेक्टली मैच्ड है। फिर वही बात, मैंने आपको बोला भी था हर बार, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में डी दिख गया तो डी ही लगाना है, ठीक है। देखो आप लोगों से बोल रहा है येलो रस्ट जो है क्या वो वीट से होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। क्या आप लोगों का जो फॉल आर्म वॉर्म है क्या वो राइस से होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है गाइस, ये गलत बात है, ये राइस से नहीं होता है, ठीक है ना। प्लिंक ब्लो वॉर्म जो है वो बिल्कुल कॉटन से होता है और ये आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है। और शीथ ब्लाइट डिजीज की अगर बात करें तो ये मेज से नहीं होता है, ये मेज से नहीं होता है। अगर मैं आप लोगों से बताऊं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है केवल और केवल वन और थ्री ऑप्शन, ठीक है जी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका नहीं होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये मेज से नहीं होता है और ये राइस से नहीं होता है, वीट से होता है येलो रस्ट, और साथ ही साथ आपका पिंक ब्लोवॉर्म जो है वो होता है कॉटन से। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने के चांसेस रखता है गाइस। यूनिट मैंने आप लोगों को बता दी है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। तो आई होप ये अब आप पैटर्न समझ गए होंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकते हैं और मैं इस सीरीज में क्या लेके आऊंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो आपके कम्युनिकेशन यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको बताना है कि जो LOX मीथेन इंजन है इसके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही लिखा है, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ लेस टॉक्सिक एंड डज नॉट लीव अ रेसिड्यू अपॉन कंबंशन। इट विल बी इंस्टॉल्ड इन द अपर स्टेज ऑफ GSLV MK3 व्हीकल। गगनयान मिशन विल डू टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑल दिस इंजन। ये कम्युनिकेशन में भी पूछा जा सकता है, एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन आप लोगों के अगेन पीपल एनवायरमेंट यूनिट में भी इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ इतनी ठंड है, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट पढ़ना बेहद मुश्किल हो, स्टिल आपकी वजह से मोटिवेशन मिल रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, समझ में आ गया ना कि कैसा पैटर्न रहेगा इस सीरीज का और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ आपको। मुझे ये पता लास्ट कितने दिनों में आपने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए होंगे। चलिए जी, तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही बातें कह रहा है। तो देखो भाई, बात ऐसी है कि सबसे पहली बात तो कि ये LOX क्या होता है, ठीक है ना, क्या मतलब होता है इसका, क्या है ये लेना देना। तो ये सारा का सारा चीज़ें जो है वो आपका रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम से आता है। और अगर हम लोग बात करें LOX मीथेन पावर्ड रॉकेट इंजन की, तो मतलब क्या है इसका, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर जो है वो आप लोगों का, राइट। तो आपको पता ही है कि जो आप लोगों के रॉकेट्स होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक लिक्विड आपके प्रोपल्शन और एक सॉलिड प्रोपल्शन से। तो लिक्विड प्रोपल्शन इंजन की बात यहाँ पर की जा रही है। और अगर हम बात करें इस पूरे सिनेरियो के अंदर, तो बिल्कुल सही बात है कि ये ना तो गगनयान से रिलेटेड है ना ही ये GSLV से रिलेटेड है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है ना, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ना तो ये गगनयान से रिलेटेड है और ना ही ये किससे रिलेटेड है,
आपके GSLV से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ प्रोवाइडेड है वो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, 2 और 3, और सिर्फ आपका स्टेटमेंट नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है जी। सो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पर सही है, ठीक है जी। अगर हम लोग बात करें इस मीथेन इंजन की, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो है ये फ्यूल के जैसे यूज करने वाला है, किसको, मीथेन को यूज करने वाला है और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करने वाला है एज ऑक्सीडाइजर। अब आप लोगों को तो पता ही है UGC नेट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आपको यही लिख कर आना है कि लिक्विड ऑक्सीडाइजर, लिक्विड ऑक्सीजन को यूज करेगा एज ऑक्सीडाइजर और मीथेन को यूज करेगा ये एज फ्यूल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। मीथेन जो है ऑफकोर्स आप लोग पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना भी सकते हो CH4, जिसका फॉर्मूला होता है ऑफकोर्स, है ना। तो इसे यहाँ पर यहाँ यूज किया जाने वाला है, ठीक है ना। ये कैसा होता है गाइस, ये नॉन टॉक्सिक होता है इन नेचर, बिल्कुल नॉन टॉक्सिक रहता है। अगर ये क्या करे, रिएक्ट करे, ठीक है, इसका टेट्राऑक्साइड बन जाता है बेसिकली, तो ये कैसा हो जाता है, हाईली टॉक्सिक होता है। बट फिलहाल एलोएक्स जो होता है वो टोटली नॉन टॉक्सिक रहता है। हायर स्पेसिफिक इम्पल्स होता है इसका, ये बहुत ईजी होता है स्टोर करने के लिए, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ता है कंबक्शन के समय पर, और साथ ही साथ ये बहुत ही लेस बल्की होता है। इसीलिए इसे डिसाइड किया गया है इसरो के द्वारा कि हम इसे यूज करेंगे फॉर प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है ना। तो क्यों करेंगे, पोल्यूशन भी कम फैलाने वाला है, बल्की भी कम होगा, तो काफी लाइट वेट सैटेलाइट जो है वो आप लोग यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है जी। तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका ओनली वन ऑप्शन होगा, ना कि ऑल ऑफ दी अबव। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हर ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव दे दूँ ना, आप तो हर ऑप्शन में ऑल ऑफ दी अबव लगा दोगे, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ICT में आने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फॉर ICT क्वांटम सुप्रीमेसी, क्वांटम सुप्रीमेसी जो है ये वर्ड आप लोगों का क्या होता है इसके बारे में आपने बताना है, ठीक है जी। तो पीपल एनवायरमेंट कम्युनिकेशन और अब ICT से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वांटम सुप्रीमेसी ये क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल फिनोमेना थ्रू द क्वांटम मैकेनिक्स दैट अदरवाइज कैन नॉट बी डन बाय द क्लासिकल मैकेनिक्स, सुप्रीमेसी इन द फाइनेंशियल सेक्टर ड्यू टू द फास्ट कम्युनिकेशन बसेस, साइबर कैपेबिलिटीज बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव फॉर अ नेशन, और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट द क्वांटम डिवाइस कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम दैट क्लासिकल कंप्यूटर्स प्रैक्टिकली कैन नॉट। क्या साफ साफ नहीं दिख रहा है भाई, अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा इंप्रूव करें आप, बिल्कुल क्लियर है सारी चीजें, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। क्वांटम सुप्रीमेसी, अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये न्यूज़ निकल के कहाँ से आई थी। ये न्यूज़ निकल के आई थी गाइज गूगल CEO सुंदर पिचाई से, उनके एक फोटो भी दिखाती हूँ मैं आपको इसी के साथ में। देखो अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये बिल्कुल सही बात है, क्वांटम सुप्रीमेसी। सबसे पहली बात तो ये जो वर्ड है, अब क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया कि ये वर्ड या ये क्वेश्चन जो है वो ICT से रिलेटेड है, तो एक हिंट तो वैसे मिल जाती है कि डेफिनेटली इट इज टॉकिंग अबाउट क्वांटम कंप्यूटर्स, किसी और चीज़, क्योंकि क्वांटम हम लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, बट ये वो वाला क्वांटम नहीं है, ये क्या है, क्वांटम कंप्यूटर वाला है। अगर आप लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हो तो मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था जब ये न्यूज़ में आया था कि एक क्वांटम कंप्यूटर प्रैक्टिकली किसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम को इतना जल्दी सॉल्व कर सकता है या जस्ट माइक्रोसेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकता है, जितना समय आप लोगों के, अगर मैं कितना, अगर 50 सुपर कंप्यूटर्स को भी एक साथ लगा दूं तो भी नहीं कर पाएंगे, जबकि सुपर कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए, बहुत फास्ट कैलकुलेशन के लिए जाने जाते हैं। बट अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर है क्वांटम कंप्यूटर्स। तो बात ऐसी हो रही है कि क्वांटम सुप्रीमेंसी मतलब यही होता है कि जो आप लोगों के बाकी कमर्शियल कंप्यूटर्स हैं, और क्योंकि अब सुपर कंप्यूटर्स भी कमर्शियली यूज होने लग गए हैं तो ये भी उसमें इंक्लूडेड है, वो सुपर कंप्यूटर प्रॉब्लम्स या वो आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो सुपर कंप्यूटर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं, क्वांटम डिवाइसेस सॉल्व कर सकती है, राइट। तो ये आप लोगों को हम फोटो दिखा रहे हैं, बेसिकली इस तरीके से जो है इसे डिपिक्ट किया गया था, ये सुंदर पिचाई जी के साथ में ही है, ये गूगल के अंदर ही है बेसिकली, और गूगल ने अभी साइंटिफिक पेपर भी एक पब्लिश किया था, राइट।
हाँ ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली है, सही बात है बिल्कुल कि ये जो चीज़ें हैं ये आपका अभी फ्यूचर में आने वाला है, अभी आया नहीं है, बट बात बिल्कुल सही है कि एक साइंटिफिक पेपर जो है वो जनरल नेचर के अंदर इन्होंने अभी पब्लिश किया था, गूगल ने पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये चीज़ बताई थी कि क्वांटम सुप्रीमेसी क्या होती है। फर्स्ट टाइम ये वर्ड यहीं पर देखा गया था, जिसके अंदर ये जो है ये एक तरीके से गूगल डिजाइंड क्वांटम प्रोसेसर है जिसका नाम क्या है, सिकामोर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, सीका मोर भी बोल सकते हो, साइका मोर भी बोल सकते हो, अलग अलग प्रोनंसिएशन है इसके, बट आप लोगों के लिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं आपके लिए एग्जामिनर होती तो मैं डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखती कि एस वाई सी ए एम ओ आर ई ये क्या होता है, फिर मैं आपको चार ऑप्शंस दे देती। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक तरीके का क्वांटम प्रोसेसर है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अपने कॉपी के हेडलाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। इट इज बेसिकली क्या है, ये 200 सेकंड के अंदर कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सकता है, जो कि वर्ल्ड का 10,000 पुराना जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था ना उसे लगता, बेसिकली इतना समय उसे लगता, उससे भी तेज कर देता है। ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया है साइंटिफिक पेपर के अंदर, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्यादा नई बात है, नया अचीवमेंट है और ये नई फील्ड है। जैसे कुछ सालों पहले हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करना स्टार्ट कर दिए थे, देखो अब कुछ साल पहले मतलब बहुत साल पहले हो गया ये चीज़, अब तो इंडियन यू नो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा काम किया है 2015 से नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंदर हमने भी बहुत सारा विकास किया है। बट अगेन ये चीज़ जो है ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ये फ्यूचर है, ठीक है जी। तो अगर हम लोग बात करें एटॉमिक स्केल बिहेवियर के बिहाफ पर, अब जो है वो कंप्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको, अराउंड 2-3 डेकेड्स की बात कही जा रही है, अभी भी इसको और बहुत टाइम लगेगा डेवलप होने में। बट स्टिल आपको ये वर्ड याद रखना है कि क्वांटम सुप्रीमेसी कहाँ से आया था, कौन सी पब्लिश हुई थी, कौन सी जर्नल के अंदर, नाम क्या है इसका, ये आप लोगों को याद रखना है। और किसने दिया था पहली बार, ऑफकोर्स वो भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज गूगल, ओके, ठीक है जी। चलिए आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ वाइड स्प्रेड अटैक ऑफ लोकस्ट इन इंडिया, हम सब लोग ने जाना है ना, लोकस्ट का भी बहुत ही ज्यादा तूफान मचा था भाई रिसेंटली समर्स के अंदर। आपसे ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो लोकस्ट को लेकर बिल्कुल सही है, करंट अफेयर ओरिएंटेड एंड अगेन कैन बी आस्क्ड इन पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। They have strong powers of flight going from one continent to another. They attack maize crop only, लिखा हुआ है. Drum beating and spraying a kerosene are adopted to arrest the spread. कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर सही लिखी है? चलिए सभी लोग सी आंसर दे रहे हैं, डिस्कस करते हैं। तो सी क्यों करेक्ट आंसर है, जैसे आपको पता ही है जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब भी मैंने ये मेंशन कर दिया था, ये जो चीज लिखी है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ मेज क्रॉप को अटैक करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं लोकस्ट को, क्या बोलते हैं हिंदी में, टिड्डी बोलते हैं कि टिड्डी ही बोलते हैं, हाँ है ना। तो जो लोकस्ट होता है, जो टिड्डी दल का हमला आप लोगों ने सुना हुआ, हमारे न्यूज में काफी चला था और ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये यहाँ पर आए थे और फिर वापस चले गए थ्रू ऑफ कोर्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वाला एरिया। देखो बात ऐसी है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लाइट की पावर होती है, बहुत तेज, बहुत दूरी तक ये उड़ सकते हैं, देख सकते हो आप कितना दूर से आए हैं। ये मेज क्रॉप को अटैक करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी क्रॉप दिख जाती है इनको ये अटैक कर जाती है। ड्रम बीटिंग और स्प्रेइंग अगर हम लोग करें केरोसिन की, तो ये जो है यहाँ पर आपके लिए काफी फायदा हो सकता है। हमारी सरकार ने इस चीज के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए थे, जैसे कि आप लोगों को पता हो तो पूरा एनसीआर रीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा हुआ था, राजस्थान रीजन के अंदर ये बहुत ज्यादा हुआ था। तो सरकार ने जो है वो काफी सारी चीजें, आपको अगर याद हो तो मैंने एक ड्रोन की फोटो भी आपको दिखाई थी और बताया था कि उस ड्रोन से किस तरीके से केरोसिन जो है वो स्प्रेड किया जा रहा है, सो दैट हम इनको क्या कर सके, इनके स्प्रेड को कंट्रोल कर सके, ऑफकोर्स इनको यहां से हटा सके। साथ ही साथ साउंड से, क्योंकि ये साउंड वेव जब जनरेट होती है उस एनर्जी से भी इनको प्रॉब्लम होती है। तो ड्रम बीटिंग जो है ना, ढोल पीटने से भी क्या होता है, ये
हटते हैं उस जगह से। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। एंट्री माइक्रोबायल रेजिस्टेंस के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो यहाँ पर सही लिखी हुई है, क्योंकि अब कोरोना इतना कुछ चल रहा था तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। बट हाँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ना ही ये आपसे पूछेगा कितने केसेस आए थे, क्या हुआ था, ऐसा हुआ था। वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ डेफिनेटली आप लोगों को MSO दिया जा सकता है, मैच द कॉलम दिया जा सकता है। ठीक है ना, मैंने भी बनाया एक क्वेश्चन उसका। इसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, उसी से रिलेटेड, राइट, उसी से रिलेटेड चीज़ें भी पूछी जा सकती है। गाइस वीडियो को शेयर करेंगे, बट ट्रिपल डिजिट तो फटाफट होना चाहिए, राइट, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको ट्राई करना है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ, सभी स्टूडेंट्स को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली क्लास की हम हैबिट लगाएं, तो एक ट्राई आप भी, आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं चाहती थी कोई और समय पे भी कर सकती थी, डेफिनेटली 10 बजे वाली क्लास में भी कर सकती थी, बट आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, तो वीडियो को एक शेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ ग्लास। ग्लास का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल एंटी माइक्रोबायल रेसिस्टेंस सर्विलियंस सिस्टम, जो कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था। जेनेटिक प्री डिपोजिशन ऑफ सम पीपल ऑल्सो मे कॉज एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस। केरला इज द फर्स्ट स्टेट टू डेवलप एन एक्शन प्लान टू मैनेज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये आप लोगों को बताना था। और देखिए गाइज, यहाँ पर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है सारे के सारे। अगर हम लोग बात करें एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस की, तो ग्लास जो है वो WHO ने बना रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विलियंस सिस्टम एक तरीके से ध्यान रखने के लिए, है ना, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल इंडिया इसका मेंबर है। अगर हम लोग बात करें जेनेटिक प्री डिपोजिशन की, तो कुछ लोगों की जो जेनेटिक प्री डिपोजिशन होती है उससे भी क्या हो सकता है, ये रेजिस्टेंस जो है हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इट कैन कॉज दीज यू नो रेजिस्टेंस। केरला जो है वो इंडिया का पहला स्टेट हुआ है जिसने इस तरीके की एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस को कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही जो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं उनमें इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कोविड, आपको पता है कि कोविड काफी न्यूज में रहा है। सीधा सीधा मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ कि कोविड से ही आप लोगों के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कोविड से रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपका बन सकता है रिलेटेड टू वैक्सीनेशन वाला बात है नॉर, बट ये वाला जो चीज है ना ये उससे एसोसिएटेड है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, एंटी माइक्रोबायल हो गए, इस तरीके की जो भी डिजीजेस हैं या इस तरीके की जो भी चीजें हैं, फंगाई से रिलेटेड हो गया। अब क्योंकि आपको पता है कि अभी रिसेंट के अंदर अब डेंगू और स्वाइन फ्लू भी काफी ज्यादा न्यूज में रहा था, तो ये जो सारी चीजें हैं इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। ग्लास की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के अंदर आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ग्लास किसने लॉन्च किया था? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस साइंस का क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, नासा का जो ये प्रोग्राम है इसका क्या मतलब है, या ये क्यों प्रोग्राम बनाया गया है? अभी रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहां पर इंक्लूड किया है, और क्योंकि आपको पता है स्पेस साइंस या स्पेस वॉर आप लोग कह लो, काइंड ऑफ हेल्दी वॉर, वो छिड़ चुकी है। अब क्वांटम कंप्यूटर के साथ में नेक्स्ट चीज जो है वो है आपका स्पेस, बस। डिस्कवरी ऑफ न्यू एक्सोप्लैनेट्स, अनरिवीलिंग ऑफ द मिस्ट्री ब्लैक होल, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोलर सिस्टम, या फिर डिस्कवरिंग न्यू हैबिटेबल ज़ोन्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम, दैट इज ऑफ कोर्स मिल्की वे, हमारा गैलेक्सी। देखो गलत बात है, करेक्ट आंसर जो है वो इसका ये होने वाला है कि यहाँ पर जो है हम किसकी बात करने वाले हैं, हमारा जो एक्सप्लोरेशन होगा वो रिलेटेड होगा हमारे सोलर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है ना,
तो सभी का लप्पा यहाँ पर गलत होते हुए न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम अभी का नहीं है, ये सालों पुराना प्रोग्राम है, लगभग 15 साल पुराना प्रोग्राम है ये, जिसकी फोटोज भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो करेक्ट आंसर इसका यही है कि नासा ने ये प्रोग्राम जो बनाया हुआ है, ये प्रोग्राम इसलिए बनाया है क्योंकि नए नए डिस्कवरी करना चाहता है, एक्सप्लोरेशन करना चाहता है हमारे ही सोलर सिस्टम मिल्की वे के अंदर ये। ठीक है, अब तो सबसे पहले लाइव चैट के अंदर देखना चाह रही हूँ कि सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं जाग भी रहे कि नहीं जाग रहे हैं, तो जल्दी से नासा की फुल फॉर्म लिखकर दिखाएंगे सभी लोग। ठीक है ना, सभी लोग नासा की फुल फॉर्म लेकर लिखकर दिखाएंगे, पता चले कि मैं जग रही हूं, आप लोग वहां पे सो रहे हो, सिर्फ ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखो, न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से स्पेस का एक्सप्लोरेशन मिशन है जो कि नासा ने कंडक्ट करना स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम हमारे ही सोलर सिस्टम मिल्की वे को, गैलेक्सी को हमारी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, नॉट जस्ट आवर गैलेक्सी बट हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी गैलेक्सीज है सभी को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग करना चाह रहे हैं। मैं आपको इसका कुछ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखो आप लोगों का ऑल्दो ये मिशन तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था, बातें इसकी काफी पहले से स्टार्ट हो गई थी, बट अगर हम बात करें तो 2015 के अंदर हम लोगों ने देखा था इसका प्लूटो का क्यूपर्स बेल्ट पे जो चीज है वो यहाँ पर देखी गई थी, और फिर ये आप लोगों ने देखा था ना न्यूज में काफी रहा था दैट प्लूटो इज नो मोर अ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट हो गया था ये। जुपिटर का पोलर ऑर्बिटर जो मिशन था, जूनो जिसका नाम रखा गया था, राइट, ये रिलेटेड है आपके जुपिटर के पोलर ऑर्बिट से, सेकेंड मिशन था ये इसका, जूनो नाम था इसका, न्यू होराइजंस इसका नाम था। ठीक है ना, इसके बाद ओसिरिस आपका रीईएक्स, ठीक है ना, या फिर रेक्स, ये जो था ये एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न का एक मिशन था जो कि आप लोगों के 2016 के अंदर नासा ने बनाया था, राइट, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये देखो नेशनल एरोबेटिक्स, एरोबेटिक्स अगर लिख रहे हैं तो पक्का सो रहे हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अरे एरोबेटिक्स कहां आ गया भाई, अभी तो उठे हैं, कल लेना एरोबेटिक्स, में मना थोड़ी कर रही हूं। ठीक है, तो ये आप लोगों के सारे रीसेंट चीज रही थी। अगर हम लोग इस मिशन की बात करें तो ये देखो 2006 से स्टार्ट हो गया था, जिसके अंदर हमारे सोलर सिस्टम के अंदर या प्लूटो हो गया, उसका मून हो गया, क्यूपर बेल्ट हो गया, इन सब के बारे में एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया था, है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों की यहाँ पर निकल के आना स्टार्ट हो गई थी, राइट। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें तो 2026 के लिए कुछ हॉल्टेड है, कुछ स्लॉटेड है, और स्लॉट क्या है, ड्रैगन फ्लाई, ये जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा टू स्टडी सैटर्न और उसके जितने भी आईसी मून्स हैं उन सबको। ठीक है, सैटर्न वो रिंग वाला जो है ना वो, ठीक है। तो कितने मिशन्स हो गए हैं और क्या क्या हुआ था उन मिशन्स में, ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। जूनो के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। 2026 में एक नया ड्रैगन फ्लाई मिशन ऑलरेडी यहाँ पर अनाउंस किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि व्हाट इज द कैनेडीडा ऑरिस, ऑरिस जो कि रिसेंटली न्यूज में रहा था, क्या है ये, एक एंटेरॉइड है, मैनमेड मिनरल है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है, यीस्ट कल्टीवेटेड है फॉर फूड सिक्योरिटी, क्या है ये, है ना, कैंडिडा। अभी क्योंकि आप लोगों को पता ही है, चलो आंसर के बाद बताऊंगी मैं। क्या है ये कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। फिर एग्जाम में आप बोलते हो ना कि मैम कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो बिल्कुल ही समझ में भी नहीं आए कि कहां से उठा के पूछ लिए गए थे, दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर जो है वो उसका क्या होने वाला है, ये मैं क्वेश्चन आपको पढ़ते ही एक्सप्लेन करने वाली थी। जैसे आपको पता है कि फंगस अटैक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, येलो फंगस, ये फंगस, वो फंगस, ब्लैक फंगस, ये सारी चीजें काफी न्यूज में रही थी, और ये भी एक तरीके का क्या है, मल्टी ड्रग है, जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट फंगस है ये एक तरीके की, जिसका नाम है कैंडिडा ऑरिस, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके की फंगस है, ठीक है, इसीलिए इसका क्वेश्चन मैंने बनाया था, ठीक है, डू रिमेम्बर इट। आपको पता है रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था अपना कोविड के बाद में, राइट, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ऑल कलर्ड ऑफ फंगस बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कार टी ये एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है किसके लिए, एड्स के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, सिकल सेल एनीमिया के लिए है या फिर कैंसर के लिए, सारी के सारे डिजीजेस किसकी डेफिशिएंसी से होती है, ये भी आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर, डिजीजेस वाला यूनिट हर बार एक क्वेश्चन लेके आता है, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है कैंसर। कार टी जो है वो एक तरीके का पर्सनलाइज फॉर्म ऑफ टेस्ट है जो किसके लिए बनाया गया है, किसे टेस्ट करने के लिए, कैंसर को टेस्ट करने के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइएगा मुझे कि ये तो आप सब जानते ही हो है ना, ये किससे होता है, एक बैक्टीरियल फंक्शन फंगस बैक्टीरियल आपकी डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, हम सब लोग जानते हैं। एड्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, ये तो क्या है आपका H1V1 वायरस से रिलेटेड है। आपको बताना है सिकल सेल एनीमिया जो है वो किससे होता है, किससे होता है सिकल सेल एनीमिया, ये आप लोगों को बताना है मुझे लाइव चैट के अंदर। आगे चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से बोल रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि GI सेट जो है उस सैटेलाइट को लेकर यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो सही है, क्या ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट सीरीज है या दे लॉन्च जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जितनी भी सैटेलाइट जानी होती है ये उनको लॉन्च करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, किससे रिलेटिंग, किससे रिलेटेड आपके GI सैट सीरीज सैटेलाइट्स, ये कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट सीरीज है जो कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को क्या करती है, लॉन्च करती है। जीन से लिंक्ड है, जेनेटिकल होता है, बिल्कुल सही बात है ना, इट इज रिलेटेड टू जीन। देखिए करेक्ट आंसर जो है वो इसका बिल्कुल सही होगा, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट सीरीज नहीं है ये, ये क्या है, ये एक तरीके से आप लोगों का कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर ये सेट होती है। है ना, हमारे देश की है, ठीक है ना, हमारे ही देश की ऑफकोर्स, बट ये किसके लिए है, ये जियो इमेजिंग सैटेलाइट है गाइज, क्या है ये, जियो इमेजिंग, GI का फुल फॉर्म भी यहां पर आप लिख लीजिए, जियो दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए और इमेजिंग है ना, जियो इमेजिंग सैटेलाइट है ये आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छे रेजोल्यूशन के साथ में इमेजिंग करने के लिए काम में आती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जाएगी, ये बात बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था ओनली टू, राइट। चलिए जी आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रू नैट दैट वॉज रिसेंटली इन न्यूज, कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है ट्रू नैट को लेकर, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था ट्रू नैट। देखो ट्रू नेट जो है वो रिसेंटली न्यूज में रहा था क्योंकि ये COVID-19 के लिए एक नई वैक्सीनेशन थी, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये और क्या क्या स्टेटमेंट है जिसके बारे में बिल्कुल सही लिखा है, तो देखिए गाइज इसका करेक्ट स्टेटमेंट है सी ऑप्शन या बोथ 1 और 2, यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है ट्रू नेट, जैसे मैंने आपको बोला एक तरीके से COVID-19 केसेस की स्क्रीनिंग और कंफर्मेशन के लिए वैक्सीनेशन काइंड ऑफ मतलब एक कंफर्मेशन और कॉम्प्रिहेंसिव स्क्रीनिंग था जो बनाया गया था COVID-19 केसेस के लिए, जिसके अंदर आप क्या करते थे सैंपल को करेक्ट करते थे वायरल एनालिसिस बफर के अंदर, और उनकी बायो सेफ्टी और बायो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है वो क्या होता था हम लोग यूज करते थे, ऑफकोर्स जितने भी आप लोगों के बायो सेफ बफर्स हैं उनको हम यूज करते थे, और इससे क्या होता था
जो ट्रू नेट है उसका न्यूज जो यूज है वो मिनिमल हो जाता था, फायदा इससे हो जाता था। बात हो रही है कि ट्रू नेट यहाँ पर न्यूज में क्यों आया है, तो न्यूज में ये इसलिए आया था क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है आप लोगों का कि ये टीबी स्ट्रेन के लिए भी काम करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है गाइस, कि ट्रू नेट जो है ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेन को भी पहचान सकता है, यानी कि एक तरीके का ऐसा ऐसे टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का जो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट है या डायग्नोसिस है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो इसको ये चीप बना दे रहा है और साथ ही साथ फास्ट भी बना दे रहा है, ठीक है ना, चीप और फास्टर दोनों ही बना दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आप लोगों के बिल्कुल यहाँ पर ठीक है ना, वैक्सीनेशन नहीं है, आई बेग अ पार्डन, ये क्या है, ये आप लोगों का एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे है जो कि स्क्रीनिंग के लिए और कंफर्मेशन के लिए हम लोगों ने यूज किया था, ठीक है। हमारे देश में भी ये काफी न्यूज में रहा था, बस हमारे देश में ही काफी न्यूज में रहा था, तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर योर एग्जामिनेशन, राइट। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को होमवर्क में देके जा रही हूँ, इसके बारे में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, और आप लोगों से मैंने ये डिस्कस भी किया था। आपको बताना है जो आपका पेगासस है वो क्या है गाइस, रिसेंटली काफी न्यूज में रहा था, कौन सी एरिया से ये क्लोजली रिलेटेड है। नॉट जस्ट दिस, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे या गूगल से भी आप लोग मुझे बता दोगे क्या है इसके अंदर, ये मैंने आपको समझाया था स्पेशल क्लास में इफ यू रिमेम्बर, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछी थी ये चीज और मैंने उन्हें ये ध्यान से समझाया भी था कि ये क्या होता है, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको मुझे बताना है। और प्लीज यहाँ कोई नहीं बताएगा, सारे के सारे कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक है ना, कोई भी मुझे प्लीज लाइव चैट में नहीं, कॉमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर देगा, ठीक है ना। और आप लोगों के इंटरेस्ट और डिपेंडेंसी देखकर ही मैं क्या करूंगी, जो भी बच्चा ये क्लास लाइव ले रहा है उनके साथ मैं डेफिनेटली इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे, बताएंगे मुझे कि पेगासस है क्या, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो सब भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। इसके अलावा प्लस और आइकॉनिक प्लान तो आपके सामने है ही, जो आप लोग कंसिडर करिएगा, ठीक है ना, जिसको भी लेना है। अच्छा खासे ऑफर्स चल रहे हैं, ईएमआई ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, रेफरल कोड अदिति 10 आप लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नया सीरीज है उसे आप फॉलो कर लीजिएगा, आप लोगों का जो स्पेशल क्लास है वो कल से 7 AM हो जाएगा, सॉरी आपका जो प्लस क्लास है वो कल से 7 AM हो जाएगा पेपर वन का, तो उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। 12+2 वाला ऑफर आपके पास में अभी भी है, 6+1 और 24+3 भी आ गया है वापस। एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए आप प्लस पे और आइकॉनिक पे आ सकते हो, मेरे साथ साथ जितने भी बैचेस हैं सब में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कंटेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आपको लगता है तो आप बक्स बाउंटी पे जा सकते हो, और साथ ही साथ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास, दो स्पेशल क्लासेस मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, 6 बजे और 11 बजे, पेपर वन के लिए और ये आपके पेपर टू के लिए, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास होती है। आपको सिर्फ क्लास को ओपन करने के लिए इन्वाइट कोड लगाना होता है, जो आप लोग लगा सकते हो अदिति 10, ठीक है जी। लाइव भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मेरा मोटिव इस सीरीज को चलाने का यही है, और वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप लोग ये सारी चीज़ें शेयर करोगे, स्टूडेंट्स तक पहुंचाओगे, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स तक पहुंच पाऊंगी, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर सीरीज जो है ये मेरा अल्टीमेट गोल है, आपको टॉप ऐसे 100 MCQs दे देना जो ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर बट आपके जो पूरी की पूरी 10 यूनिट है उसमें से भी अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चंस बना सकता है। तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये नई सीरीज के क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या इनका लेवल था, जरूर मुझे बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स जो इंटरेस्टेड हैं और हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आई नो बहुत सारे बच्चे जो सुबह सुबह नहीं उठ रहे हैं वो रिकॉर्डिंग देख ले, तो प्लीज उनके साथ में वीडियो को लगातार शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत कुछ स्पेशल है जो सभी के सभी एजुकेटर्स करते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अब अगली क्लास के लिए जो होगी आपकी स्पेशल क्लास, दैट इज 11 AM। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।